हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बुंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 विंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानसून विंड्स आर इन फैक्ट सी एंड लैंड ब्रिजेस ब्लोविंग ऑन लार्ज स्केल। मानसूनी हवाएं बड़ी मात्रा में सागरीय और भूपृष्ठीय हवाएं ही होती है। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन सब कंटिनेंट इज द इफेक्ट ऑफ मानसून विंड्स। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाली अधिकांश वर्षा मानसूनी अर्थात मौसमी हवाओं के प्रभाव से अधिक होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द इंडियन सब कंटिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मतलब ये हवाएं विषुव रुत रेखा को लांघने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से और जून से सितंबर की अवधि में ये बहती है। दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसूनस। दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं बाष्पयुक्त होती हैं फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर। विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन सब कंटिनेंट टूवर्ड्स द इक्वेटर। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ईस्ट मानसून विंड्स। दे आर ड्राई विंड्स। मतलब ये हवाएं बाष्पयुक्त होती है और सितंबर से दिसंबर तक विषुववृत्त रेखा से रेखा के पास कम वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होने से हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से विषुववृत्त रेखा की ओर बहने लगती है और इन हवाओं को पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं कहते हैं। देखो, हवाओं की अस्थिर और अति तूफानी स्थिति का विचार करते हुए हमें चक्रवात का अध्ययन करना आवश्यक है। देखो, नेक्स्ट है साइक्लोन्स। साइक्लोनिक कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। अभी साइक्लोन्स मतलब चक्रवात। जब किसी स्थान पर हवा का दबाव कम रहता है और आसपास हवा का दबाव अधिक रहता है तब चक्रवातीय हवाओं की स्थिति पैदा होती जाती है। इन दिस कंडीशंस विंड स्टार्ट ब्लोविंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज। मतलब हवा के कम दब वाले स्थान की ओर आसपास के प्रदेश की हवा के अधिक दब वाले प्रदेश की ओर से तेज गति से हवाएं बहती है। सी फिगर 5.7। आकृति 5.7 में हमें ये देखना है। देखो, ये दी है हमें फिगर 5.7 साइक्लोन की चक्रवात। वैल्यू ऑफ एयर प्रेशर इन मिलीबार्स। ओके, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द साइक्लोनिक विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वेयर एरियाज दे मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप ये चक्रवातीय हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में बहती है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये बहती है। During a cyclone, the sky is cloudy, winds blow with a very high velocity and it rains heavily.
मतलब चक्रवात की स्थिति में आकाश मेघाच्छन्न रहता है और हवाएं बड़ी तेज गति से और भरपूर वर्षा भी वहाँ होती है। द एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स इज लिमिटेड, मतलब चक्रवाती हवाओं का प्रभाव क्षेत्र लिमिटेड होता है। द ड्यूरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस विंड्स इज अनप्रेडिक्टेबल। सी द इमेज ऑफ द साइक्लोन ऑब्टेन बाय अ सैटेलाइट इन फिगर 5.8। मतलब चक्रवातीय हवाओं का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इन हवाओं की कालावधि, गति, दिशा और क्षेत्र बहुत अनिश्चित होता है और उपग्रह द्वारा खींचा चक्रवात का ये जो सैटेलाइट के द्वारा खींचा हुआ ये जो छाया चित्र है वो हमें 5.8 में देखना है। ओके। ऑन वेदर मैप्स द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। अ साइक्लोन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब हवा की स्थिति को दर्शाने वाले मानचित्र में चक्रवात का केंद्र एल, लो, एल मतलब क्या, लो अक्षर द्वारा दिखाया जाता है और चक्रवातीय प्रणाली एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खींच सकती है और इन चक्रवातों को हम चक्रवातीय आंधी भी कहते हैं। आया आपको यहाँ तक समझ में? ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।